गुजरात राज्य में स्थित जामनगर एक तटीय शहर है। यहां पर दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है जिसकी रिलायंस इंडस्ट्रीज मालिक है। दोस्तों सिर्फ इसी रिफाइनरी से हर दिन 1.5 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल प्रोड्यूस होता है। इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के लिए गुजरात का जामनगर एक पैसा छापने की मशीन है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, जामनगर में ही मुकेश अंबानी अपनी नेक्स्ट बड़ी बेट लगा रहे हैं। $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है इनका ग्रीन एनर्जी के बिजनेस में। ये इन्वेस्टमेंट करी जा रही है इंडियन गवर्नमेंट के नेट जीरो कार्बन एमिशन के 2070 के प्लान को दिमाग में रखकर। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी इस ग्रीन एनर्जी के बिजनेस की रेस में अकेले दौड़ रहे हैं। उनको तगड़ी टक्कर देने के लिए इंडिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अदानी ने भी प्लान किया है ग्रीन एनर्जी बिजनेस में $20 बिलियन इन्वेस्ट करने का अगले 10 सालों में। अब दोस्तों अगर दो बड़े बिजनेस टाइकून इस रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेस में आएंगे तो जाहिर सी बात है कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा होने वाला है। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी जाएगी जिसकी वजह से बहुत सारी जॉब्स भी क्रिएट होंगी और इससे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के क्लीन एनर्जी मिशन 2030 को अचीव करने में भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। लेकिन दोस्तों आपको ये फैक्ट जानकर हैरानी होगी, अभी हमारा देश पूरी तरह से डिपेंडेंट है फॉसिल फ्यूल्स पर। फॉसिल फ्यूल अगर आपको नहीं पता तो एक बार आपको बता देता हूं कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स में बेसिकली इंक्लूड होते हैं ऑयल, कोल और नेचुरल गैस। जो भी पेट्रोल, डीजल, कोयला और गैस आप अपने घर पर इस्तेमाल करते हो उनको हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। हमारे देश की 80% से ज़्यादा एनर्जी की खपत जो आज के समय में होती है उसके लिए हम डिपेंडेंट है दूसरे देशों से मंगवाए गए इन्हीं फॉसिल फ्यूल्स पर। तो ऐसे में ये प्लान करना कि हम आने वाले समय में इन फॉसिल फ्यूल्स को छोड़कर पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पर निर्भर हो जाएंगे, ये थोड़ा मुश्किल लगता है फिलहाल के समय में। और इस समय सबसे बड़ा सवाल ये बनता है, क्या ये दोनों बड़े बिजनेस हाउसेस रिलायंस इंडस्ट्रीज और अदानी ग्रुप, क्या ये तैयार है अपने पुराने फॉसिल फ्यूल्स के बिजनेस एम्पायर को छोड़कर नए और अनसर्टेन ग्रीन एनर्जी के बिजनेस में पूरी तरह उतरने के लिए। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके लगभग 20 सालों तक हमारे देश की जितनी भी डेवलपमेंट हुई उन सब के पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एफर्ट्स थे। उस समय में इतने ज्यादा प्राइवेट बिजनेस नहीं होते थे, लेकिन 1970 का दशक आते आते गवर्नमेंट ने धीरे धीरे अपने आप को इन बिजनेसेस से बाहर किया और प्राइवेट सेक्टर को बिजनेस करने के लिए आगे बढ़ाया। ये वो समय था जब बड़े फैमिली बिजनेसेस और बड़े बिजनेस ग्रुप्स बनकर उभरे। 1980 की शुरुआत में धीरूभाई अंबानी की लीडरशिप में रिलायंस इंडस्ट्रीज का सफर शुरू हुआ। शुरुआत से ही उन्हें बड़ी कामयाबी मिली और उन्होंने शेयर होल्डर्स को काफी सारा पैसा बनाकर दिया। अदानी ग्रुप की भी शुरुआत 1980 में हुई, लेकिन इनको जो बड़ी सक्सेस मिली वो सन 2000 के बाद ही मुमकिन हो पाई। सन 2000 से पहले अदानी ग्रुप इतना बड़ा कोई बिजनेस ग्रुप नहीं था जिसको सब जानते हों। आज मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं और इन्होंने अपनी सारी संपत्ति इन्हीं फॉसिल फ्यूल्स के बिजनेस से। अगर बात करें गौतम अदानी की, इन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट करके डायमंड का बिजनेस स्टार्ट किया और कुछ समय बाद ये अहमदाबाद चले गए अपने भाई के प्लास्टिक बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। 1980 में इन्होंने अदानी एंटरप्राइजेस स्टार्ट करी जो कि आज एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें ये कोल माइनिंग से लेकर एयरपोर्ट चलाने तक का बिजनेस करते हैं। अंबानी और अदानी ये दोनों बिजनेस फैमिली इंडिया के सबसे अमीर और पावरफुल बिजनेस हाउसेज हैं। रिसर्च हमें ये बताती है इंडिया के जो टॉप रिचेस्ट 1% लोग हैं उनकी टोटल वेल्थ 4 गुना से भी ज्यादा है देश की 70% पॉपुलेशन की कंबाइंड वेल्थ से। कोरोना महामारी के बाद से शेयर मार्केट में जो तेजी आई उसकी वजह से जहां एक तरफ तो काफी सारे लोग बेरोजगार हो गए, वहीं दूसरी तरफ जो बड़े अमीर बिजनेसमैन थे वो और ज्यादा अमीर बन गए। ऐसा हमेशा कहा जाता है ये जो बड़े बिजनेसमैन है इनकी सक्सेस के पीछे देश की सरकार का काफी बड़ा हाथ है। ये दोनों ही बड़े बिजनेसमैन अंबानी और अदानी ने खूब पैसा बनाया अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजीज को भारत सरकार की ग्रोथ पॉलिसी के साथ अलाइन करके। ऑपोजिशन पार्टीज हमेशा से ही अंबानी, अदानी और मोदी की नजदीकियों पर सवाल उठाती आई हैं क्योंकि ये तीनों एक ही स्टेट गुजरात से आते हैं। अंबानी परिवार जो कि अब पूरी तरह से मुंबई बेस्ड है, लेकिन इनके काफी सारे एसेट्स जैसे कि दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी अभी भी जामनगर गुजरात में स्थित है। अदानी का अभी भी बेस गुजरात में ही है जहां उनके काफी सारे पावर प्लांट्स और पोर्ट्स हैं। तो इन दोनों ही ग्रुप्स का बेस, इन दोनों ही ग्रुप्स की जड़ें गुजरात में है
जहां पर एक समय में प्रधानमंत्री मोदी सीएम थे। पिछले साल इन दोनों बिजनेसमैन पर यह आरोप लगाया गया कि भारत सरकार के जो फार्म लॉज थे, जिनका किसानों ने जमकर विरोध किया था, ये फार्म लॉज लाए गए थे ताकि बड़े बिजनेसमैन फार्मिंग के बिजनेस में आ सके। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही 2014 से ही भारत सरकार ने क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी का अपना लक्ष्य रखा और उसी के चलते ये दोनों बड़े बिजनेस ग्रुप ग्रीन एनर्जी के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज के समय में इंडिया की सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ज्यादातर फॉसिल फ्यूल्स पर ही निर्भर है, जिसमें से 45% कोयले से पूरी करी जाती है, 25% क्रूड ऑयल से, 6% नेचुरल गैस से और बाकी की बची छुटपुट जरूरतें पूरी होती है न्यूक्लियर पावर और हाइड्रो पावर रिन्यूएबल एनर्जी से। आज सिर्फ 100 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस होती है रिन्यूएबल सोर्सेज से, जिसका हमारे देश की सरकार का टारगेट है 175 गीगावाट का 2022 तक और 450 गीगावाट का 2030 तक। रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेस में अदानी ग्रीन एनर्जी इंडिया में टॉप की कंपनी है। इसका मेन बिजनेस है सोलर एनर्जी जनरेट करना। ये कंपनी 15 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करती है हर साल, जो कि हमारे देश की टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का 15% है। पिछले 3 से 4 सालों में अदानी ग्रीन का शेयर प्राइस 100 गुना हो गया है। अदानी ग्रीन एनर्जी का प्लान है दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बनने का। इसी के चलते अदानी ग्रुप $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा है अगले 10 सालों में। लेकिन मुकेश अंबानी के इस बिजनेस में एंटर करने के बाद अदानी के लिए ये टारगेट अचीव करना इतना आसान नहीं होगा। मुकेश अंबानी को एक बड़े डिसरप्टर के रूप में जाना जाता है। ये जिस भी बिजनेस या इंडस्ट्री में घुसते हैं वहाँ एक प्राइस वॉर स्टार्ट कर देते हैं। 6-7 साल पहले लोगों ने रिलायंस जियो को हल्के में लिया था, एक छोटी सी टेलीकॉम कंपनी मानकर, और आज ये देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन चुकी है। इनकी जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है वो टोटली स्केल पर फोकस्ड होती है। आपको याद होगा जब जियो नया नया आया था मार्केट में, कैसे इन्होंने बिल्कुल सस्ते में इंटरनेट प्रोवाइड किया था, जहां एक तरफ तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेलीकॉम कंपनीज थी वो 400 से 500 रुपए लेकर आपको महीने का 1 GB डेटा देती थी और उसके बाद भी वो कंपनीज लॉस में चल रही थी। वहीं जियो की मार्केट में एंट्री होते ही आपको रोज का 1 GB डेटा मिलने लगा और वो भी मंथली 100 रुपए के रिचार्ज से, और साथ में फोन कॉल्स भी बिल्कुल फ्री होने लगी। तो इनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी है, जिस भी बिजनेस में ये घुसते हैं ये प्राइस वॉर स्टार्ट कर देते हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट होता है, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स कैप्चर करना। अब यही सेम स्ट्रैटेजी मुकेश अंबानी दोहराने वाले हैं रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेस में। मुकेश अंबानी प्लान कर रहे हैं $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट सोलर ग्रीन हाइड्रोजन बैटरीज और फ्यूल सेल्स की प्रोडक्शन के लिए। अदानी ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये दोनों बिजनेस ग्रुप सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चर करने का प्लान कर रहे हैं। दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी की प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए जो सबसे मेन रॉ मटेरियल है वो है सोलर मॉड्यूल्स। अब आज की डेट में सोलर मॉड्यूल्स के लिए इंडिया टोटली डिपेंडेंट है चाइना पर। अब इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है, रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया की पहली वो कंपनी है जो एकदम स्क्रैच से सोलर मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रही है, और इसका मेन रीजन है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को रिड्यूस करना। और अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज इसको मैन्युफैक्चर करने में कामयाब हो जाती है तो गौतम अदानी को इसकी वजह से जबरदस्त कॉम्पिटिशन मिलेगा। एक और प्रोडक्ट है जो इन दोनों बड़े बिजनेस ग्रुप में जबरदस्त कॉम्पिटिशन का कारण बन सकता है, और वो प्रोडक्ट है इलेक्ट्रोलाइजर। इलेक्ट्रोलाइजर्स का काम होता है पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करने का, और अगर इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी से यूज करी गई इलेक्ट्रिसिटी से कंप्लीट किया जाता है तो जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है उसे हम ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। इंडिया में अभी तक कोई कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चर नहीं कर पाई है, और दोस्तों अगर ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी को हम फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करने लग जाएं तो जो आपकी कार है उसमें से धुआं नहीं निकलेगा बल्कि छोटी छोटी पानी की बूंदें निकलेंगी। कुछ समय पहले मुकेश अंबानी ने यह बयान दिया था कि उनकी कंपनी टारगेट कर रही है $1 per kilogram की कॉस्ट पर ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने का। आज के समय में पूरी दुनिया में इतनी सस्ती हाइड्रोजन कोई भी देश प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, और अगर मुकेश अंबानी इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। गौतम अदानी ने भी ये बयान दिया है, उनकी कंपनी भी सस्ती हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का प्लान कर रही है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर इतने बड़े दो बिजनेस ग्रुप आपस में कंपटीशन करेंगे तो उसका रिजल्ट सस्ते प्रोडक्ट्स के रूप में
आपके और मेरे जैसे आम जनता को ही मिलेगा। देश की सरकार भी यही चाहती है, कम से कम दाम में कोई लोकल कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करे, ताकि हमारी बाहर के देशों पर क्रूड ऑयल जैसे फॉसिल फ्यूल से निर्भरता कम हो। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या जो ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए सामने आती है वो होती है जमीन। इतने बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट्स को लगाने के लिए जमीन की जरूरत होती है। रिलायंस ग्रुप के पास ऑलरेडी बहुत सारी जमीन पड़ी है जामनगर में, जहां पर उनकी एग्जिस्टिंग रिफाइनरी है। वहीं जामनगर में ही रिलायंस प्लान कर रहा है सोलर और हाइड्रोजन प्लांट्स सेटअप करने का, जिसकी 2030 तक सोलर एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी लगभग 100 गीगावाट। गौतम अदानी की बात करें तो फिलहाल उन्होंने इतने बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट लगाने के लिए जमीन का कोई इंतजाम नहीं किया है। रिलायंस ग्रुप की सालाना सेल सभी बिजनेसेस से मिलाकर है लगभग 73 बिलियन डॉलर्स, जिसमें से 60% सेल्स इनकी आती है ऑयल से। अब दोस्तों, सोचने वाली बात यह है, क्या रिलायंस अपने एग्जिस्टिंग फॉसिल फ्यूल्स का जो बिजनेस है, जो सबसे ज्यादा टर्नओवर जनरेट करके देता है साल का, क्या रिलायंस ग्रीन एनर्जी के बिजनेस में आने से अपने फॉसिल फ्यूल्स के बिजनेस को बंद कर देगी? जाहिर सी बात है, नहीं। कोई भी समझदार बिजनेसमैन अपने वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस को कभी भी किसी नए बिजनेस के लिए बंद नहीं करेगा। और अगर रिलायंस ग्रीन एनर्जी के बिजनेस में सक्सेसफुल होती है, तो साथ ही साथ जो उनका एग्जिस्टिंग फॉसिल फ्यूल्स का बिजनेस है वो भी कंटिन्यू रहेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार गौतम अदानी भी अपने फॉसिल फ्यूल्स के एसेट्स को बढ़ाने में लगे हैं। अदानी ग्रुप 4 नए कोल पावर प्लांट्स सेटअप कर रहा है और साथ ही साथ अपने एग्जिस्टिंग 2 प्लांट्स की भी प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपेंड कर रहा है। जो ये नए कोल प्लांट्स बनाने का प्लान है, उनमें से एक ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में स्थित कारमाइकल कोल माइन है। अदानी ग्रुप प्लान कर रहा है ऑस्ट्रेलिया से एशिया में कोल एक्सपोर्ट करने का। हालांकि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा या नहीं, ये थोड़ा डाउटफुल है अभी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के कुछ एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ने इस प्रोजेक्ट के खिलाफ आवाज उठाई है और शायद ये प्रोजेक्ट कभी सक्सेसफुल ना हो पाए। तो दोस्तों, फॉसिल फ्यूल्स को छोड़कर ग्रीन एनर्जी पर निर्भर हो जाना, ये शायद एक बहुत मुश्किल टास्क होगा, ना सिर्फ अदानी और अंबानी के लिए, बाकी हम सब इंडियंस के लिए भी। हमारे देश की सरकार ने 2070 का जो नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है, मौजूदा हालातों को देखते हुए, जहां देश की 70% बिजली का उत्पादन कोयले से होता है, वहां ये कहना थोड़ा मुश्किल है क्या ये लक्ष्य कभी अचीव हो पाएगा। एटलीस्ट आने वाले कुछ समय में तो ये पॉसिबल नहीं लगता। अगले काफी लंबे समय तक इंडिया फॉसिल फ्यूल्स पर ही डिपेंडेंट रहेगा। हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज जरूर बढ़ेगा, लेकिन काफी धीरे धीरे। तो इसमें आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या हम इंडियंस रेडी हैं पेट्रोल और डीजल को छोड़कर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा।